अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के अनुसार इस इस्तीफे को जल्द ही स्वीकार कर लिया जाएगा। यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से एनडीए को मिली हार से हर तरफ हाहाकार मचा है, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पार्टी के नेता संगीत सोम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों की गद्दारी से बीजेपी मुजफ्फरनगर की सीट हारी है। इसी के आगे उन्होंने कहा कि लगातार आपसी मतभेद के चलते ही मुजफ्फरनगर में हाहाकार मची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मखौड़ा धाम जा पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने मखौड़ा धाम में स्थित भगवान राम की उद्भव स्थली का दर्शन पूजन किया और इस दौरान परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव भी मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि ये समीक्षा बैठक लखनऊ के खादी और ग्रामोद्योग मुख्यालय में आयोजित की गई है। इस मौके पर ACS MSME आलोक कुमार भी मौजूद रहे। सपा छात्र सभा के पूर्व प्रदेश सचिव नोमान ने युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी पर गंभीर आरोप लगाए, जहां सपा छात्र का कहना है कि अरविंद गिरी पैसे लेकर पद देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं के इशारे पर पैसे के बिना कई जिलों में युवजन सभा का गठन तक नहीं कराया गया। ऐसे में उन्होंने प्रदेश के नौजवानों का शोषण किया है। मिर्जापुर के जिला मुख्यालय पर अधिवक्ताओं ने यूपी अधिवक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताते हुए अधिवक्ताओं को पेंशन, बीमा, भत्ता जैसी सुविधाओं को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना की है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को नसीहत देते हुए मायावती ने कहा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी वारदात हुई है उसमें निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है, जो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर के विसरात में हनुमंत धाम जा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और महापौर अर्चना वर्मा के साथ हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वृंदावन गार्डन स्थित परी पैलेस के लिए रवाना हुई। उन्होंने सफाई नायकों को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया। लोकदल लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी संगठन की समीक्षा करेगा। चुनाव में पार्टी ने अपनी दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, लेकिन पश्चिमी यूपी में भाजपा को अपेक्षित लाभ नहीं दिला सकी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में भाजपा और रालोद गठबंधन 9 सीटें ही जीत सका। यही वजह है कि अब संगठन इसकी समीक्षा में जुट गया है। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल द्वारा बीजेपी नेता संगीत सोम को जयचंद बताए जाने के बाद आरएलडी ने उनको नोटिस जारी किया है। पार्टी ने उनके बयान को अनुशासनहीनता माना है।